Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saudi Arab से लाइव में आप साथ में आपको दे दूंगा आज की एक अपडेट। अपडेट है कि भाई इकामों के मुतलक तुम आपके साथ तफसील से एक न्यूज शेयर कर चुका हूं, यानी कि जिन बंदों के इकामे एक्सपायर हैं उनके ऊपर जवाजात की तरफ से क्या कानून लागू कर दिया गया, यानी कि पहली बार खत्म है तो 500 रियाल, दूसरी दफा अगर आपका इकामा खत्म होता है तो 1000 रियाल फाइन, और तीसरी दफा भी अगर आपका, यानी कि अगर आपके 3 इकामे हो सकते हैं एक्सपायर तो भाई आपका खरूज लगाकर आपको आपके मुल्क में भेज दिया जाएगा। फाइन के मुतालिक डिटेल नहीं बताई गई है, हो सकता है उस टाइम भी आपको, लेकिन फाइन के मुतालिक यहां नहीं लिखा गया, आपको मैं ट्वीट में दिखा रहा हूं, आपको यही लिखा गया है कि आपको भाई मुल्क बदल, यानी कि आपका खरूज लगा दिया जाएगा, आपको निकाल दिया जाएगा यहां से, और बाद में आप सऊदी अरेबिया में कभी भी नहीं आ भी नहीं सकेंगे। तो अभी बात कर लेते हैं, जो मेरे भाई कंपनी में मुसस्सों में किसी कफील के अंडर काम करते हैं, हम कंपनी में काम कर रहे हैं या किसी मुसस्से में काम कर रहे हैं या किसी कफील के अंडर काम कर रहे हैं, तो भाई होगा क्या, हमने इत्तेफाक किया होता है उस फील से, उस मुसस्से से कि भाई मेरा इकामा तू लगाएगा, रहाइश की जिम्मेदारी तेरी होगी, खाने की जिम्मेदारी तेरी होगी, ऐसे वैसे जो भी आपने इत्तेफाक किया हो, एग्रीमेंट किया हो, उसके तहत वो भाई पाबंद होता है वो कफील आपका, वो कंपनी, वो मुसस्सा आपका। तो वो अगर आपका इकामा ही ना लगवाए तो फिर इसमें आपका तो भाई कोई कसूर नहीं है, अभी कंपनी या मुसस्सा या वो कफील आपका इकामा नहीं लगा रखा है तो इसमें भाई हमारा तो कसूर नहीं है, या किसी कोई भी ऐसा बंदा जो फंसा हुआ है उसका तो कसूर नहीं है। इकामा तो भाई कंपनी ने लगाना है, कफील ने लगाना है, मुसस्से ने लगवाना है, तो मैं क्यों ये सजा भुगतूं? तो जवाजात को भाई यही कमेंट एक बंदे ने करके ये सवाल पूछ लिया उनसे कि भाई कंपनी अगर इकामा नहीं लगवाए तो फिर क्या करना चाहिए, यहां पर वो आपको मैं दिखा भी रखा हूं। तो जवाजात साहब, जवाजात का भाई आगे से रिप्लाई उसको ये आया था, मैं आपको यहां पर दिखा रखा हूं। वा सलाम यार जी, तवासल मैं वजारत मवाद बशरिया व तन्निया इज्तमाया हाई तस्विया खिलाफात अल अमालिया सैद ने बतवासिक जी मेरे भाई, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस एंड सोशल डेवलपमेंट, ये एक इदारा है सऊदी अरेबिया के हर शहर में ये अवेलेबल है, हालांकि अलवज में भी मैंने ये इदारा देखा है, जो मेरे भाई सऊदी में रहते हैं आप अलवज के मुतलक जानते हैं, छोटा सा शहर है समुद्र के ऊपर, वहां पर भी मैंने इसका बोर्ड देखा था लगा हुआ है, वहां पर भी ये, यानी कि छोटे छोटे शहरों में भी ये इदारा भाई मौजूद है सऊदी अरेबिया का, जिसका नाम आपको मैं बता, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस एंड सोशल डेवलपमेंट, वहां पर जाकर आप भाई क्लेम कर सकते हैं कि भाई मेरी कंपनी, मेरा कफील, मेरा मुसस्सा, मेरा इकामा नहीं लगा रखा है तो मैं इसके मुतल्लिक क्या करूं। आप वहां पर जाकर उनसे शिकायत कर सकते हैं, फिर आपको इस तरीके का बेहतरीन तरीका, यानी कि इस अमल का बेहतरीन तरीका वो बताएंगे कि आपका इकामा भाई कैसे लगेगा, आपकी दरख्वास्त वगैरह बकायदा लिखेंगे, आप किस आपके कफील वगैरह से पूछ होगी अच्छे से कि तू इस बंदे का इकामा क्यों नहीं लगा रखा है। ये डिटेल जवाजात की तरफ से आ रही है उन तमाम बंदों को जो किसी कंपनी मुसस्सा या किसी कफील के अंडर काम कर रखे हैं और इकामे की जिम्मेदारी उन कंपनी मुसस्सा या कफील ने उठाई हुई है उन बंदों की। तो आप भाई इस इदारे से रजू करें, यही आपके लिए बेस्ट है, वरना आपको पता है कि 3 इकामे खत्म हो जाएंगे तो फिर सीधा खरूज लगाकर आपको अपने कंट्री में भेज दिया जाएगा, वरना पहली बार 500, दूसरी दफा 1000 रियाल का फाइन भी हो सकता है।